गांव शाहजहांपुर में बंदा टूटने के बाद किसानों की फसल बर्बाद, दहशत का माहौल। मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के गांव शाहजहांपुर के रहने वाले किसान गुरमेर सिंह का कहना है कि खेत में गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा तो वहीं बंदे ने भी उनका साथ छोड़ दिया। बंदा टूट गया, जिसके बाद में सारा पानी फसलों की ओर बढ़ गया। उनका कहना है कि उनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। पिछले 20 साल से लगातार उनका नुकसान होता चला आ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी मुआवजा एवं मदद नहीं की गई है, जिसके बाद शनिवार को उनका गुस्सा फूट गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा है कि इस बंदे को परमानेंट बनवाया जाए। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बांध टूट गया है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गुरमेर सिंह सर, ये गांव कौन सा लगता है? शाहजहांपुर साथ है जी। अच्छा, ये जो बांध टूटा है, इस बांध से जो है कितनी फसलें नष्ट हुई है, जो ये फसलों में पानी भरा हुआ है? हजारों एकड़ तो सर ये मूंगी थी, और दूसरी बात कई एकड़ सौ एकड़ आलू लगा रखा था, और गन्ना भी सौ एकड़ के हिसाब से है। कुल मिला के नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कई साल से 200 साल से हम परेशान हैं इससे। हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, सरकार हमारी कुछ भी नहीं करती सुनती, हर बार हमें ही टूटा आता है। अच्छा, इसमें कितनी फसलें पानी में जो है बर्बाद हो चुकी है? ऐसा सौ एकड़ बर्बाद हो चुकी है। कोई अंदाजा नहीं है भैया, इसमें लगभग 500-600 एकड़ के लगभग हमारी जो शाहजहांपुर का रकबा है, 500-600 एकड़ लगभग मूंजी यहाँ पर डूब चुकी है अभी तक। अच्छा, धान के अलावा और कोई फसलें जैसे गन्ना के अलावा? भैया यहाँ गन्ना भी था, लोगों ने आलू वगैरह भी बो दिए थे, तो सब नकल फसल जो है अभी पानी की चपेट में आई है।